जवान का ट्रेलर रिलीज होने के बाद शाहरुख खान की जय जयकार हो ही रही थी कि बीच में सलमान खान ने अपनी नाक घुसा दी और सारी लाइमलाइट छीन कर ले गए। सलमान के गिरते करियर में जान फूंकने वाली फिल्म टाइगर 3 को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सलमान और कटरीना कैफ की सुपरहिट सीरीज टाइगर 3 की तीसरी फिल्म टाइगर 3 की रिलीज डेट रिवील कर दी गई है। टाइगर 3 का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें रिलीज डेट भी फाइनल कर दी गई है। टाइगर 3 दिवाली के दिन 10 नवंबर को रिलीज होगी। पोस्टर में सलमान खान गन लिए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे कटरीना भी हाथों में गन थामे दिख रही हैं। पोस्टर में सलमान की जबरदस्त बाइसेप्स भी दिख रही हैं। जवान को लेकर बने माहौल के बीच सलमान खान ने भी मौका नहीं गवाया है और लगे हाथ अपनी फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया है। टाइगर सीरीज की अब तक दोनों फिल्में एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही हैं। एक था टाइगर साल 2012 में रिलीज हुई थी, जिसने 334 करोड़ रुपए कमाए थे, जो उस दौर की बॉलीवुड की तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके बाद साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने 562 करोड़ रुपए कमाकर एक नया इतिहास रच दिया। ये दोनों फिल्में सलमान के करियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले गई हैं। लंबे वक्त से एक हिट फिल्म को तरस रहे सलमान की पिछली तीन फिल्में राधे, किसी का भाई किसी की जान और अंतिम फ्लॉप रही हैं। ऐसे में टाइगर 3 के ऐलान ने फिर से सलमान के अंदर जोश भर दिया है। टाइगर 3 में सलमान एक बार फिर एक्शन करते हुए नजर आएंगे। सलमान और कटरीना इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान से ही टाइगर 3 को लेकर माहौल बन गया था। शाहरुख के बाद अब सलमान भी बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखाने को तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि टाइगर 3 में शाहरुख खान का भी कैमियो है। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।